जय हिंद वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसे शहर से ज्यादा गांव-गांव तक के लोग पहचानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन में दिखने वाले सबसे ज्यादा दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी की, जिनका चेहरा कोई नहीं भूला है। हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने आपसे कुछ समय के लिए एंकरिंग और पत्रकारिता पे कुछ सीखा भी है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि आपका एक लंबा कैरियर रहा है पत्रकारिता में जी, और आज एक मतलब आप एक स्थापित पत्रकार दूरदर्शन में हैं, आप कैसे चेंज पाते हैं सर, और पत्रकारिता को आपने कैसे शुरुआत की, उस समय की पत्रकारिता जब आपने स्टार्ट की थी, और आज जो सोशल मीडिया जो पत्रकारिता डिसाइड कर रही है उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए मनीष, इस पिछले 2-3 दशकों में और खास करके बीते एक दशक की अगर मैं बात करूँ, बहुत बदलाव आ गया मीडिया में। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी उस वक्त तो ये 24 घंटे के न्यूज़ चैनल भी नहीं होते थे। तो मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं अखबार में काम करता था। उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि मैं टेलीविज़न में जाऊंगा और टीवी पत्रकारिता करूंगा। तो उसके बाद जब धीरे धीरे मैं अगर कहूँ इस 3 दशक में, क्योंकि मुझे 3 दशक लगभग हुए, तो इन 3 दशक में पहला बड़ा बदलाव मैंने 90 में तब देखा। 90 के दशक में जब टेलीविजन आया जी, टेलीविजन इन द सेंस टेलीविजन न्यूज, 24 घंटे की न्यूज चैनल आया। न्यूज तो पहले भी आती थी लेकिन 24 घंटे की न्यूज चैनल आए तो वो एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि उस बड़े बदलाव ने सीधा सीधा अखबारों पर और न्यूज के कंटेंट पे बहुत असर डाला था। मुझे आज भी याद है, उस समय अरुण शौरी जी देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो मेरी उनसे अक्सर चर्चा होती रहती थी। उस वक्त मैं अखबार में था, तो जब उनसे चर्चा होती थी तो एक बार वो मुझे कह रहे थे कि अब जो है अखबार वालों के लिए बहुत समस्या हुई, चुनौती हो गई, क्योंकि जो हेडलाइंस है जो अखबार में कल सुबह छपने वाला है वो रात को टेलीविजन चैनल दिखा देते हैं। तो बोले ऐसे में अखबार के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। तो इस तरह की चुनौती एक आई थी। तो कंटेंट, उसके बाद क्या हुआ कि अखबारों ने अपना कंटेंट बदला सारा, अपनी भाषा बदली, टेलीविजन में फिर वो, तो एक बड़ा बदलाव तो वो था। दूसरा बदलाव जो है मैं कहूंगा कि ये कि टेलीविजन में, क्योंकि प्रयोग बहुत होते गए, उन प्रयोगों में एक बहुत बेहुदा प्रयोग भी हुआ जब हमने देखा कि जो है स्वर्ग की सीढ़ी, युधिष्ठिर का कुत्ता, भूत प्रेत, और यही जो है नाग ले जाकर के एक शिवलिंग पे बैठा देना और उसको शूट करके दिखा देना और उसको कहना कि देखो जी ये शिवरात्रि वाले दिन कहना जी ये जी यहाँ पे जी सांप नाग देवता आते, इस तरह की पत्रकारिता जो है भूत प्रेत वाली हो गई थी, जो बहुत ही बेहुदा दौर था पत्रकारिता। चैनल सर उसके लिए बिल्कुल कुछ चैनल, कुछ आज के बड़े जो यूट्यूबर्स हैं सो कॉल्ड, तो सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनकी एक बड़ी जो है उपलब्धि थी कि उन्होंने पत्रकारिता को, टेलीविजन पत्रकारिता को उस गर्त में ला के डाल दिया था जहां से उसकी क्रेडिबिलिटी में सवाल उठने लगे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे एक और बदलाव का दौर आया, क्योंकि लोग ये सब चीजें ज्यादा पसंद नहीं करते। तो उसके बाद जो है एक नया दौर, नया बदलाव आया, और इस तरह के बदलाव मीडिया में आते रहते। आज का जो दौर है मैं मानता हूं कि पहले से बहुत अलग है, बहुत जुदा है। जितना आज टेलीविजन मीडिया, सिर्फ टेलीविजन मीडिया नहीं, मीडिया की बात करनी चाहिए, जितना आज मैं देख रहा हूं कि पोलराइजेशन हो गया है जी, और इस पोलराइजेशन के साथ साथ मैं इसे डेमोक्रेटाइजेशन कहता हूं, क्योंकि एक वो दौर था, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मैं खुद कुछ टेलीविजन के जो बड़े नाम थे मैं उनका बड़ा फैन हुआ करता था। तो उस वक्त देश में मैं अगर 2012 के पहले चले जाऊं, देश में 2007, 8, 9, 10 ऐसे देश में कुछ चुनिंदा नाम थे, चेहरे थे जी, वो पत्रकारिता के मठाधीश थे, वो लोग जो कहते थे वही सब कुछ होता था, और वो लोग थे जो दरअसल पद्मश्री की दलाली भी करते थे, वो लोग थे जो दरअसल ये भी तय करते थे कि मंत्री कौन बनेगा, किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, तो वो एक तरह की दलाली भी करते थे, और उनका जो असली चेहरा था वो दलाली वाला था।
और दूसरी तरफ कोयले की दलाली, मंत्रालयों की दलाली, पद्मश्री की दलाली, तो वो लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े क्रांतिकारी पत्रकार टेलीविजन पर बैठते दिखते, वो मठाधीश थे क्योंकि उनकी सीधा सीधा पहुंच थी प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय में जब वो आप तय करवा सकते हो कि मंत्रालय मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, तो एक एक फोन करके आप प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाते थे, आपके फोन पे प्रधानमंत्री आ जाते थे। तो वो मठाधीशी थी, तो वो जो कहते थे वही सब कुछ होता था, वही एक सच होता था, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में क्या हो, 2012 के बाद मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारिता में अब दो धड़े आपको साफ दिख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दो धड़े आ गए, ये वामपंथी हैं, राइटिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार विरोधी हैं, कुछ लोगों ने नाम दे दिया, एक हमारे जो है पांडे साहब, उन्होंने गोदी पत्रकारिता नाम दे दिया। तो इस तरह के जो है एक दूसरे को लोग नाम देते हैं, दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि दलाल पत्रकारिता। लेकिन मैं इसे मानता हूँ कि ये पत्रकारिता का डेमोक्रेटाइजेशन है, क्योंकि एक ही तरह की बात पत्रकार दिखाएं जी वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के विचार दिखाएं वो अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं या दो तीन पक्ष होते हैं, जो भी पक्ष होते हैं उन सब की बात होती है। तो आज की पत्रकारिता में मैं मानता हूं ये अच्छा दौर इसलिए है कि अगर आज आपके पास एक तरफ रवीश जैसे पत्रकार हैं जो कि एक तरह से एंटी मोदी माने जाते हैं, तो आपके पास दूसरी तरफ जो है सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार भी हैं या अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार भी हैं, एक तरफ राजदीप बरखा जैसे लोग हैं, तो दूसरी तरफ जो है आपको जो है अमित देवगन जैसे लोग दिखाए। तो इस तरह का मैं मानता हूँ एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन है। अब आप व्यूअर के पास है, व्यूअर के पास ताकत है कि वो राजदीप को देखे या फिर वो गौरव सावंत को देखे, वो रवीश को देखे या फिर वो जो है सुधीर चौधरी को देखे, वो अर्णब गोस्वामी को देखे या बरखा को देखे। तो ये जो है मैं मानता हूँ व्यूअर्स के पास एक चॉइस है, जो कि अच्छी बात है, पहले ये चॉइस नहीं थी। तो ये बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ, एक बहुत बड़ा बदलाव है। सर जैसे आपने बात की दलाली की, मैं प्रिंट में भी रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक में भी कुछ समय रहा हूँ। पत्रकार जो आज के दौर में जो पत्रकारिता दिख रही है और जो पत्रकार दिख रहा है उसकी छवि जो समाज में है वो आप भी समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है जी। वो उस जो आपने नाम दिया दलाली का, वो उस तरीके से देखे जाने लगा है। आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि प्रिंट मीडिया हर गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, लेकिन एक एक जो आज का फेस मैंने जो देखा है उसमें जो दलाली शब्द है वो पत्रकारों के साथ जुड़ गया है। उसका एक रीज़न तो एक तरीके से आजीविका का चलाना भी उसमें आ जाता है, प्लस वो एथिक्स को बर्बाद कर रहा है। इसको आप सर कैसे देखते हैं और इसके लिए ज़िम्मेदार किसे आप मानते हैं? क्योंकि ज़िम्मेदार इसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो यही है कि नीरा राडिया जो केस आया उस समय आपने देखा कि किस तरह से जो देश के बड़े बड़े पत्रकार थे वो किस किस तरह की चीज़ें किस किस तरह की दलाली कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में दलाली थी। तो एक तो वो लोगों को एकदम से भरोसा उड़ गया। दूसरी बात क्या हुई, जब ये पत्रकारिता में दो धड़े आए तो दोनों धड़ों ने एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू किया। याद कीजिए किस तरह से अर्णब गोस्वामी बरखा दत्त पर हमला करते थे, बरखा दत्त अर्णब गोस्वामी पे। तो जब एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हो आप, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो कि ये सब चीज़ें, तो उसके कारण भी लोगों को लगा। तो ये चीज़ें हुई। फिर जैसे मैंने कहा कि जो है पद्मश्री वाला जो केस है वो एक बड़ा फेमस केस है कि राजदीप जी को जो पद्मश्री मिला था उसके पहले उनके चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, कैश फॉर स्कैम, कैश फॉर वोट जो, लेकिन अचानक उस स्टिंग को नहीं दिखाया गया और उसके कुछ दिन बाद उनको पद्मश्री मिल गया था। तो ये सारी चीज़ें जब पब्लिक में आने लगी, पब्लिक में वैसे आ रही थी और सोशल मीडिया के आने के बाद इनके बारे में और ज़्यादा चीज़ें लोगों को तक आने लगी। पहले लोग इनको सिर्फ टीवी पे देखते थे, आपने देखा आधा घंटा एक घंटा एक बढ़िया से शो जिसमें लाइट है, कैमरा है, मेकअप है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड रूप है इनका, लेकिन सोशल मीडिया ने इनका असली चेहरा दिखाना शुरू किया। सोशल मीडिया आने के बाद क्या हुआ कि लोग, क्योंकि आपके पास अगर एक चैनल है, उस चैनल में एक पत्रकार ने 5 साल पहले क्या बोला था आज क्या बोल रहा है, ये वो तो चैनल दिखाएगा नहीं कि देखो जी हमने 5 साल पहले ये बोला था आज हम ये बोल रहे हैं, वो तो दिखाएगा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद जो है क्या हुआ कि लोग इतने अवेयर हो गए कि आज एक पत्रकार अगर कहता है
कि फर्ज कीजिए अगर मैं उदाहरण देना हो, आज अगर सुधीर चौधरी या मैं अशोक श्रीवास्तव नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हैं और अगर आज मुझे फलाना कोई पत्रकार जो है ज्ञान देने लगते हैं कि इन्होंने कड़े क्वेश्चन नहीं पूछे, ये कोई सवाल होते हैं पूछने के, तो पब्लिक उनका पुराना इंटरव्यू निकालते हैं जिसमें वो सोनिया गांधी से सवाल कर रहे होते हैं कि आप दाल बना लेती हैं, तो फिर लोगों को लगता है अरे कम से कम अशोक श्रीवास्तव या सुधीर चौधरी ने उनसे ये तो पूछा कि भाई आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि आप जो है एकाधिकार वाली सरकार चलाते हैं, ऐसे सवाल तो पूछे, आप तो सोनिया जी से सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं कर पाए, तो उसके कारण एक्सपोज वो होने लगे। और एक जो दलाली का वो जो मैं सोचता हूँ वो ये उसका एक चीज ये रही कि राजनीतिक कटुता, क्योंकि सोशल मीडिया पर और मीडिया में राजनीतिक और वैसे जो राजनीतिक कटुता आज इतनी हो गई है कि एक दूसरे को नेता कुछ भी कह रहे हैं और उसके लपेटे में पत्रकार भी आ रहे हैं। मैं अगर आज कोई अच्छी बात भी बोल देता हूँ, अगर मान लीजिए देश में कुछ अच्छा हो गया उसको भी बोल देता हूँ, तो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले वो मुझे कह देंगे ये तो दलाली करता है, ठीक है ना। या दूसरी तरफ भी हो सकता है कि अगर रवीश ने भी कोई अच्छी रिपोर्ट कर दी जो, तो लोग जो उनके विरोधी हैं वो कह देंगे तो दलाली है। तो आज की तारीख में बहुत पॉलिटिकली भी लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वायलेंट हो गए हैं, तो उसके कारण भी जो है इस तरह के आरोप लग जाते हैं। और एक और कारण जो रहा, जैसे मैंने कहा कि बीच में जो एक दौर था जब ये सांप छुछुंदर आ गया था, सनसनी जैसे प्रोग्राम, क्राइम वाले प्रोग्राम जो है वो टेलीविजन चैनल्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गए थे, तो इन सब के कारण जो है लोगों का विश्वास उठा। तो ये चीजें हैं। और क्या है कि गांव देहात में छोटी छोटी जगह पर बहुत सारे अखबार टेलीविजन चैनल्स ने ऐसे लोगों को अपने स्टिंगर बना दिया जो एक खबर देने का भी पैसा लेते हैं, खबर रोकने का भी पैसा लेते हैं, खबर अगर आपको वहां पर कैमरा लेके पहुंच जाए उसका भी पैसा लेते हैं, और कैमरा अगर कहीं नहीं ले जाना उसका भी पैसा लेते हैं। तो अब ये चीजें बड़ी सारी चीजें होने लगी। एक बहुत बड़ा अखबार है, वो अखबार तो अपने स्टिंगर्स को वो खुलेआम कहता है कि आप हमको इतना कमा के दोगे तब हम आपको अपना स्टिंगर बनाएंगे, आई कार्ड देंगे। इसी तरह से कॉलर जो टेलीविजन चैनल कॉलर माइक होते हैं वो भी कई सारे लोग, कई सारे जो है वो चैनल ये कहते हैं कि भाई हम आपको कॉलर माइक तो दे देंगे लेकिन आपको हमें उस बदले में इतने रुपए का विज्ञापन ला के देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के कारण ये सारी चीजें हम आज के दौर में ये सिचुएशन देख रहे हैं। सर, आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया अब एक मीडिया को निर्णायक स्थिति में ले जाता है कि जो सोशल मीडिया पे चलेगी 24 घंटे में वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया डिसाइड कर रहा है। इसका जो एक तरीके से कहें परिणाम आने वाले समय में और वर्तमान में तो दिख रहा है, आने वाले समय में क्या होगा और क्या ये सही दिशा में जाएगा या कुछ इसकी वजह से संकट आ सकता है? संकट तो देखिए एक ही आ सकता है, संकट जो है मुझे लगता है संकट ही आ सकता है कि कुछ समय में हो सकता है कि कुछ टेलीविजन चैनल बंद हो जाए, क्योंकि अब लोग टेलीविजन चैनल से ज्यादा सोशल मीडिया पे कंटेंट देख रहे हैं। हालांकि वो कंटेंट जो है टेलीविजन चैनल का ही कई बार जनरेट होता है। मान लीजिए मैं आपको बड़ा एक छोटा सा उदाहरण, मैं रोज प्रोग्राम करता हूँ 9 से 10, मेरा 2 टू नाम से प्रोग्राम आता है डीडी न्यूज पे, उस पर जो व्यूअर्स होते हैं वो तो ठीक है देखते हैं, उसके बाद मुझे रिएक्शन आते हैं लोग मुझे रोज जो है मैं जब ट्वीट करता हूँ कि आज मैं इस विषय पे, तो हमेशा जब मैं प्रोग्राम करके निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ तो मुझे तुरंत एक लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है, नीचे लोगों के कमेंट होते हैं कि ये प्रोग्राम में ये बढ़िया हुआ, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती। लेकिन उसी डिबेट का कोई इम्पोर्टेंट क्लिप जिसमें किसी नेता ने कोई अच्छा कमेंट किया है या किसी ने बहुत अच्छी अच्छी बहस हुई है या मेरा कोई कमेंट बहुत अच्छा है, उसकी जो मैं क्लिप डालता हूँ उस क्लिप को 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोग देख लेते हैं, और न सिर्फ देखते हैं उस पर कमेंट बहुत जबरदस्त आते हैं। तो क्या है कि उसका मतलब यह है कि लोग, 1 घंटे की डिबेट मेरा प्रोग्राम है तो वो 1 घंटा उनके पास नहीं है, वो देखें वो आधा घंटा हो सकता है देख लें, कुछ डेडिकेटेड लोग हो सकते हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं उसको देखने वाले बड़ी तादाद है। कम समय में लोग देख लेते हैं, बस में बैठे देखते हैं, ऑफिस में बैठे देख लेते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो उसके कारण हो सकता है कि क्योंकि सारे हम खुद भी इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स में, किसके प्रोग्राम में, हम लोग तो खुद मीडिया में तो इसलिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन वैसे भी बता रहा हूँ कि किसके प्रोग्राम में किसने क्या कह दिया, हमको बहुत कुछ
सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो क्लिप देखते हैं, अच्छा ये भी डिबेट हुई, तो उससे क्या होता है कि उससे सोशल मीडिया, और आज की तारीख में मेरी जो जानकारी है, बहुत से चैनल जो हैं, क्योंकि अब चैनल्स ने भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, आप देखेंगे कि वही एंकर जो प्रोग्राम दे रहे हैं वही सोशल मीडिया के लिए भी बैठ करके एक छोटा सा प्रोग्राम कर देते हैं, उसकी व्यूअरशिप ज्यादा है। मुझे पता लगा कई चैनल जो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ज्यादा कमा रहे हैं चैनल के बनस्पत, तो चैनल एक तरह की तो उसके कारण मुझे लगता है कुछ समय में हो सकता है कि कुछ चैनल बंद हो जाएं, क्योंकि इतना कंटेंट जब आएगा तो चैनल चलाने वाले सिर्फ आज भी ऐसा ही है, सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जो बहुत दिन के पास पैसा है, जो लोग बहुत एक घाटा सह कर भी चला सकते हैं, या जिनके बहुत मल्टीपल जिनके जो है ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से अगर वो कम कमा रहे हैं दूसरे से भरपाई हो जाती है, इस तरह की चीज हो जाती है, तो उस तरह की चीज चलेगी। लेकिन हो सकता है कि बहुत चैनल वगैरह कुछ ना बंद हो जाए, ये एक आशंका जरूर उठती है। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, और जितना सोशल मीडिया आने के बाद जो है ना, एक तो शार्पनेस थोड़ा सा लोगों की बढ़ गई है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है, और दूसरी चीज ये है कि आप डबल फेस नहीं हो सकते, कोई पत्रकार डबल फेस नहीं हो सकता। मैं अगर आज किसी चीज को डिफेंड कर रहा हूँ, कल को मैं उसी का विरोध करूंगा तो लोग मेरे ट्विटर हैंडल पर जाएंगे और वो देखेंगे। मैंने एक साल पहले लोगों के पास, तो लोग बहुत शार्प हैं, वो एक महीने पहले की, एक साल पहले की क्लिपिंग निकालेंगे और आज की निकाल देंगे, तो आप डबल फेस नहीं हो सकते जी, ये आपको बड़ा संभल के रहना पड़ेगा। आप खुद जो है किसी मंत्री के ऊपर बलात्कार का आरोप लग जाए और आप उसके खिलाफ घंटों का प्रोग्राम कर दें, लेकिन अगर आपके भाई के खिलाफ बलात्कार का आरोप लग जाए, उसको टिकट भी मिल जाए, आप वहां मुंह ना खोलें, तो वो लोग डबल स्टैंडर्ड जो पकड़ लेते हैं। सर, आपने एक चीज कही कि जो आर्थिक पक्ष भी है, सोशल मीडिया पे जो खास तौर से यूट्यूब है, इसी पे सभी अब एक तरीके से डाइवर्ट हो रहे हैं, और वो पत्रकार भी आने की कोशिश कर रहे हैं या आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उस हाउस में रहते हुए वो अपनी चीजें नहीं दे पा रहे थे या ईमानदारी नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी एक अच्छा साधन मिला है, इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, इसका एक तो है, जब आप किसी चैनल में रहते हैं तो उसकी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को आपको फॉलो करना होता है, सिंपल सी बात है, और उस पॉलिसी को आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो चैनल आपको रखेगा नहीं। उस चैनल की पॉलिसी कई चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं जी। अगर दूरदर्शन है तो दूरदर्शन की चैनल पॉलिसी अलग तरह से होगी, अगर न्यूज 18 है तो न्यूज 18 की पॉलिसी जो है वो उसमें किन लोगों का स्टेक है उस हिसाब से डिसाइड होगी, अगर आज तक है तो उसमें वो किसके उसके मालिक क्या है, उनके मालिक के हित क्या है, तो वो सारी एडिटोरियल पॉलिसी इस हिसाब से तय होती है, तो वहां पर एक थोड़ा सा बंदिश होती है। लेकिन यूट्यूब वगैरह से जो है उस या सोशल मीडिया के जो और माध्यम है वहां पे वो एडिटोरियल पॉलिसी, तो वहां मुझे लगता है पत्रकारों को जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको खुलकर काम करने का मौका मिल रहा है, ये बात तो है, और ये एक अच्छा पक्ष भी है। और मुझे याद है 2014-15 की बात है, और आज इस संदर्भ में 2014-15 में अरुण जेटली जी ने एक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि एक जमाना था कि सेंसरशिप इंदिरा जी ने लगा दी थी मीडिया पर, ये वो, लेकिन बोले आज कोई मतलब नहीं है सेंसरशिप का, आप किस पे सेंसरशिप लगाओगे, आप दूरदर्शन पे सेंसरशिप लगा दोगे, आज तक पे लगा दोगे, आप जो है न्यूज 18 पे लगा दोगे, लेकिन आप उसका क्या करोगे, ये यूट्यूब जो है खुला, तो आज की दौर में, और इसीलिए मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आज की तारीख में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मोदी जी ने मीडिया का गला दबा दिया, जो है देश में जो है बोलने की आजादी नहीं है, मीडिया को आजादी नहीं है। मुझे लगता है दिन रात आप अपने YouTube चैनल पर जिसके ढाई ढाई 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, दिन रात आप उस पर बैठ के गाली देते हो और सब्सक्राइबर हैं और उससे आप महीने का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हो, और मोदी को गाली देकर, मतलब आपकी कमाई जो है सीधा सीधा मोदी को गाली देने की कमाई है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या, मोदी को गाली दे दो, आपको कुछ लोग पसंद करके लाइक दे देंगे, आपका चैनल चलेगा, आप जो है 10 लाख रुपए बैठ के महीना कमा रहे हो, तो उनका तो कमाई का जरिया भी है और आप गाली भी दे रहे हो और उसके लिए आपको पैसा भी मिल रहा है, तो किस बात की लोग कहते हैं कि भाई नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है मैं मानता हूँ, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी
अच्छी चीज है, बाकी सब चीजें भी पत्रकार को भी कहने का अच्छा मौका मिलता है। लेकिन इसमें एक जो समस्या है, एक जो चुनौती है, वो ये है कि इसमें बहुत सारी फेक चीजें भी होती है। मुझे लगता है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अभी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में भयंकर दंगा हुआ है, वहां पर जो है मुस्लिम समुदाय ने वहां पर कई दुकानों पर हिंदुओं की जो खबरें मैंने अभी देखी, बहुत सारी चीजें वहां पर हो रही है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्यों हो रही है, वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा में क्योंकि मस्जिद जलाई गई थी इसलिए हो रही है। अब त्रिपुरा में जो हुआ था वो हुआ ही नहीं। त्रिपुरा के बारे में ये जो मीडिया सोशल मीडिया में जो खबरें आई वो सब फेक साबित हुई है, और वहां की पुलिस कार्रवाई कर रही है जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई। लेकिन जो चीज हुई, त्रिपुरा पुलिस ने उस मस्जिद की तस्वीर भी दिखाई जिसको कहा गया था कि जला दिया गया। और मैंने खुद जब त्रिपुरा पे कार्यक्रम किया था तो त्रिपुरा प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं प्रणव सरकार, उन्होंने मेरे कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती दी कि अगर आप एक भी वीडियो त्रिपुरा का दिखा दें ओरिजिनल जिसमें किसी मुसलमानों पर अटैक हुए, तो बोले आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए। लेकिन वो एक वीडियो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे समस्या ये आती है कि एक फेक न्यूज आई यूट्यूबर्स ने बैठ करके और उसको भड़का दिया कि जी वहां, तो ये एक बड़ा खतरा है क्योंकि वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है वहां पे कुछ अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, वो एक खतरा है। क्योंकि जो चीज हुई नहीं उसको लेकर एक जगह आप दंगे की झूठी खबर दे रहे हैं, उस वहां पे कुछ नहीं हुआ लेकिन दूसरी जगह उस खबर को लेकर दंगे हो जाते हैं, तो ये चीजें कैसे रुकेंगी? ये लोगों की चिंता होनी चाहिए और इसमें सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। सर, इसका नैरेटिव सेट करने वाले भी लोगों को समझा पाना भी मुश्किल ही है। हाँ, बिल्कुल। सर, मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसी जो पक्ष आपने अभी दिखाया उसके साथ ही साथ एक चेंज आपने भी देखा है और मैं भी देख रहा हूँ पत्रकारिता में, कि अब राष्ट्रवाद, धर्म, इसको लेके चर्चाएं हो रही हैं। ये एक विषय बन रहा है और ये एक तरीके से कहें कि जो गर्व की अनुभूति हम राष्ट्र को लेके, धर्म को लेके छोड़ते जा रहे थे, उसे अब हम पकड़ रहे हैं और ये मीडिया में खास तौर से भी दिखने लगा है। इसे आप सर कैसे देखते हैं, इस बदलाव को? मैं इस बदलाव को अच्छा मानता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव है। बदलाव इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मुझे अच्छी तरह से याद है 2008-10 ऐसी वही साल होंगे जब मैं टेलीविजन में, जब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा था उस समय आया था। मुझे याद है बहुत सारे पत्रकार उस समय ये कहते थे कि जर्नलिस्ट का, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई राष्ट्र नहीं होता। जी जी जी। तो मुझे थोड़ा सा हैरानी भी होती थी। तो वो लोग कहते थे कि भाई एक जर्नलिस्ट का राष्ट्र नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचता था क्यों नहीं होना चाहिए, पूछते थे भाई क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो तर्क देते थे कि अगर आप कश्मीर में वॉर हो रहा है जी, तो पत्रकार का काम तो यह है कि वॉर को सही तरह से दिखाना कि भाई ये वॉर भारत पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो पत्रकार का काम है जो वहां वॉर में हो रहा है वो सच दिखाना। उसमें भारत की बात करना या पाकिस्तान की बात करना ये पत्रकार का काम थोड़ी है। तो ऐसा लोग कहते थे, मुझे बड़ी हैरानी होती थी सुनकर। मुझे लगता था यही पत्रकार जब सुविधाएं लेनी होती हैं तो भारत सरकार का जो जो है जो एम्बलम है सिंगो वाला, चार सिंग वाला, उसके कार्ड लेने के लिए ये लोग जो है मारा मारी करते हैं कि उसका हमें कार्ड मिल जाए, सरकार से क्या सुविधा मिल सकती है, सरकार से फ्लैट मिल जाए, सरकार इनको विदेश दौरे पे ले जाए, सरकार इनके लिए, यहाँ तो आपका राष्ट्र आ जाता है जब सुविधाएं लेनी होती हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करते आपका राष्ट्र मर जाता है। तो मुझे चीज बड़ी अजीब लगती थी। लेकिन पिछले समय में जो बदलाव हुआ है, जो बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, आज पत्रकार राष्ट्र की बात करने लगे। आप सोचिए टेलीविजन पे प्रोग्राम आते हैं राष्ट्र की बात, राष्ट्र हित में, ठीक है, देश नहीं झुकने दूंगा जी। तो ऐसे प्रोग्राम क्यों आ रहे हैं? देश की बात करने वाले, राष्ट्र की बात करने वाले, राष्ट्र सबसे पहले, देश सबसे पहले, ऐसे प्रोग्राम क्यों आ रहे हैं? ऐसे प्रोग्राम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब जनता का मूड बदल गया जी। इसके लिए मैं किसी ये नहीं कहता ये बदलाव पत्रकार लाए, उनका कोई इसमें रोल नहीं है, पत्रकार तो पहले भी जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मूड बदल गया है। और ये जो मूड बदला है ये बहुत अच्छा संकेत है, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपने संस्कार को लेकर, अपने सनातन धर्म को लेकर के, अपने देश को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पहले एक जमाना था कश्मीर पर 24 घंटे हिंदुस्तान को गालियां देते थे चैनल, भारत के पत्रकार,
आर्मी को गाली देते थे कि आर्मी वाले वहां ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और हम सब सहते थे, देखते थे। एक समय वो आ गया था जब हम लोग छोटे थे और ये चीजें देखते थे, तो हमारे दिमाग में आर्मी के प्रति एक अजीब सी हमको लगता था ये आर्मी वाले क्या वहां रेप करते हैं, क्योंकि मीडिया ऐसा नैरेटिव देता था। ये जो गिलानी है, जिलानी है, इन लोगों को हीरो बनाकर इनके आधे आधे घंटे के इंटरव्यू देता था, क्रांतिकारी ये लोग होते थे, तो बड़ा अजीब सा लगता था ये सब कुछ, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आज लोग इसको पसंद नहीं करते, हालांकि अभी भी आज भी ऐसे चैनल हैं, मैं ये नहीं कहता ऐसा चैनल नहीं है, आज भी ऐसे चैनल हैं। और जो आज ऐसे चैनल है वो क्या करते हैं कि जब कन्हैया कुमार या जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उस कन्हैया कुमार के ऊपर ना मैं नारे पे नहीं जाता, नारे कन्हैया कुमार ने लगाए नहीं लगाए ये एक विवाद का विषय हो सकता है, ये एक न्यायालय का विषय हो सकता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो पूरा कार्यक्रम था वो कार्यक्रम जो है आयोजित किया था कन्हैया कुमार ने, क्योंकि वो जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष था और उसके लेटर पैड पर वो कार्यक्रम हुआ था जिसको सांस्कृतिक संध्या कहा गया, लेकिन वो क्या था, वो अफजल गुरु की बरसी, अफजल गुरु की बरसी, एक आतंकी की बरसी, आप सांस्कृतिक संध्या के नाम पर वो लेटर पैड जो गया था वो कन्हैया कुमार के नाम से गया था। तो नारे छोड़ दीजिए, लेकिन उस कन्हैया कुमार का सबसे बड़ा दोष तो ये था, लेकिन अचानक से उस कन्हैया कुमार को लोगों ने टेलीविजन चैनल में बैठा बैठा के किस तरह से हीरो बना दिया कि उसको लगा कि मैं तो देश का राष्ट्र का नेता हो गया, और वो इतनी हिम्मत करता है कि चुनाव लड़ता है वो अलग बात है, और बिहार जैसे देश, बिहार जैसे राज्य में भी लोग इतने बेवकूफ नहीं है, उसको 5 लाख से पट, मतलब लाखों वोटों से उसको पटकर नहीं देते, तो लोग हमारे ज्यादा समझदार हैं इन चैनल के पत्रकारों से, संपादकों से। तो ये चीज आज भी ऐसे चैनल हैं जो इन लोगों को हीरो बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पब्लिक का मूड बदल गया। आज ऐसे चैनल्स को, मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप समझ सकते हैं, आप इन चैनल्स के, आप जो इनका इनके बही खाता है वहां आप जाके देख लीजिए, इनको पैसे विज्ञापनों से या इनको पैसे व्यूअर सब्सक्राइबर से नहीं मिलते, इनके पैसे के सोर्स कहीं कहीं से होते हैं, बाहर से आ रहा है पैसा, कहीं से आ रहा है, किधर से, किसी एनजीओ ने अपने कैंपेन का दे दिया। आज ये चैनल इस तरह से चल रहे हैं, व्यूअरशिप इनकी जीरो है, जीरो व्यूअरशिप है, तो पब्लिक पसंद नहीं करती। हाँ, भारत विरोधी ताकतें हैं इनकी फंडिंग करती हैं, वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक पसंद नहीं करती, तो भारत विरोधी लोग फंडिंग करते रहे, जब कोई देखने वाला ही नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो इनकी स्थिति है और वो स्थिति इनकी और होगी। तो देश को लेकर के अब जो लोगों का जो एक मूड है, मिजाज है, उसको मैं मानता हूँ एक बहुत ही बड़ा बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव है, और ये बदलाव सिर्फ मीडिया के लिए नहीं, ये बदलाव मैं मानता हूँ हर क्षेत्र में आने वाले समय में बदलाव दिखाएगा। हम आज ही जब एक कार्यक्रम में थे और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है मेरे साथ कार्यक्रम में थे, तो मैं वही याद कर रहा था कि एक जमाना था जो हिंदुस्तान में देश की संसद ने एक बूढ़ी मुस्लिम महिला के हक के लिए, उसको ना मिले उसके लिए कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए पूरा सब कुछ बदल दिया था, संसद ने कानून बदल दिया था, अध्यादेश बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, लेकिन उस 86 से लेकर 2021 तक क्या बड़ा बदलाव हमने देखा, जबरदस्त बदलाव देखा कि आज कोई ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आज 3 तलाक का कानून पारित हो जाता है, आज अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाता है, ये सारी चीजें जब होती हैं, आज कश्मीर को लेकर इतना बड़ा बदलाव हो जाता है, कश्मीर पे 370 हट जाती है, जो लोग कहते थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, जो लोग कहते थे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी 370 हटाया, क्या हुआ? तो आज आप देखिए मूड लोगों का बहुत बदल गया है, और इसीलिए आज मीडिया में आपको राष्ट्रवाद दिखता है, देश दिखता है, देश की बात दिखती है। और मेरा मानना है किसी भी पत्रकार के लिए उसकी पत्रकारिता का पहला उद्देश्य जो है वो देश समाज के लिए होना ही चाहिए। अगर आप देश और समाज के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि फिर आप भगवान जाने आपको क्या करना चाहिए। पर मैं इसे मैं ये समझता हूँ कि पत्रकार से ऊपर कहीं आपका देश, आपका राष्ट्र होता है। मैं मानता हूँ हर व्यक्ति के लिए, अगर मैं स्कूल टीचर भी हूँ, कोई भी, तो कोई भी अगर अल्टीमेटली, क्योंकि जब लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं समाज के लिए होना चाहिए, अरे समाज क्या है, देश की जनता ही तो समाज है। जी, देश की जनता ही तो समाज है। जब हम देश को अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं तो उस देश में समाज, वो समाज भी शामिल है, तो देश और समाज का यही बात होती है। अगर 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 समाज में
विधर्मी समाज में अपराध बढ़ेंगे, देश में अपराध बढ़ेंगे ना, तो देश की स्थिति खराब होगी। अगर हमारा देश मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होगा, तो वो समाज में हम उसका असर दिखेगा। तो इसलिए समाज और देश में हमेशा कहता हूँ, उसके लिए एक पत्रकार को काम करने के बारे में सोचना चाहिए, उसको ध्यान में रख के उसको पत्रकारिता करनी चाहिए। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको पाने वाले टीवी चैनल पे कुछ बेशर्मी से सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार को, अच्छा बुरा ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाली देना या उसके अगेंस्ट में ही बात करना, चाहे वो अच्छा काम कर भी रही हो तो भी, ये पत्रकारिता का कौन सा एथिक्स है? देखिए, ये अब मैं इसको एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। एक तस्वीर को, कश्मीर के एक पत्रकार की तस्वीर को, उसको वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आप वो तस्वीर याद करेंगे तो वो तस्वीर थी कि एक आर्मी की गाड़ी खड़ी है और एक लड़का जो है, एक कश्मीरी लड़का जो है, स्टोन पेल्टर पत्थरबाज जो है, उसके मुंह पे नकाब है और वो पत्थर लेकर के ऐसे उस गाड़ी के ऊपर मार रहा है और वो दिखाए तो उसको, उसको कैसे मतलब एक प्रतिकार के रूप में उसको दिखाते उस तस्वीर को जो है पुरस्कार, जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मैं कश्मीर में 1999 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने बहुत लंबे समय तक वहाँ काम किया है। मैं आपको ये दावे के साथ बता रहा हूँ, कश्मीर में अब 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 2019 से पहले, क्योंकि तस्वीर भी 2019 से पहले की ली हुई है, 2019 से पहले 500 रुपये में आप ऐसी 5000 तस्वीर खींच सकते हो, 500 रुपये में किसी एक लड़के, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के पत्थरबाज ये सब चीज़ें चलती थी, ओपनली चलती थी, आप किसी को 500 रुपये दो कहो कि चल इस पर तू पत्थर मार, तेरी तस्वीर खींचता हूँ, वो आपके लिए पूरा दिन काम करेगा, पत्थर मारने में अलग अलग पोज देगा, तो आप उसको, लेकिन कश्मीर में मुश्किल क्या है, कश्मीर में मुश्किल है था 2019 से पहले, कश्मीर में मुश्किल ये था करना कि क्या कश्मीर में जो 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 देश के साथ काम करने वाले लोग हैं या उनको, उनको लेकर कोई तस्वीर खींचना है। एक आर्मी का जवान वहां पर जा करके एक बूढ़ी महिला को अगर सड़क पार करा रहा है कश्मीरी में, तो कश्मीर में ऐसी तस्वीरें लेना मुश्किल होता है, होता था 2019 से पहले, तो वो नैरेटिव, तो इस तरह की तस्वीर लेना बड़ा आसान था। मैं कश्मीर में जितनी बार गया, हमें खतरा रहता है कश्मीर में, हमें इसलिए खतरा रहता है क्योंकि हम दूरदर्शन से, अगर मैं किसी और चैनल का जाता हूं और अगर मैं वहां पर आतंकवादियों की हरकतें दिखाना या पत्थरबाजों की, तो मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन किसी पत्थरबाज को यह पता चलेगा कि मैं दूरदर्शन का, तो मुझे पत्थर मारने के लिए जरूर करेगा। हम लोग मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, 2019 से पहले की बात बता रहा हूँ, कश्मीर में जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, हमारे जो ड्राइवर हैं कश्मीरी ड्राइवर होते थे, तो वो गाड़ी के आगे ना एक तख्ती रखते थे, उस तख्ती के ऊपर लिखा रहता था दूरदर्शन, ठीक है, जैसे प्रेस चिपका होता है ना जी, लेकिन दूसरी तरफ उसके, उस तख्ती के एक तरफ दूरदर्शन, एक तरफ मीडिया लिखा होता था। तो मुझे शुरू में समझ नहीं क्या चक्कर, तो जब वो दूरदर्शन से निकलते थे या वो करते थे, जहां पर आर्मी है बहुत वो कुछ है, तो वहां दूरदर्शन का वो लगाते थे पट्टी दूरदर्शन, उससे क्या होता था आर्मी और बाकी सब जगह उनको पता है कि दूर, लेकिन जैसे ही वो ऐसे इलाकों में जहां पत्थरबाजी होती, जहां वो दूरदर्शन का हटा के मीडिया, मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, बोला सर अगर पता चल गया दूरदर्शन का तो छोड़ेंगे नहीं, आतंकी भी मारेंगे पत्थर भी मारेंगे, तो क्यों, क्योंकि दूरदर्शन वहां पर आतंकवाद के खिलाफ बोलता है, मैं वहां पर रिपोर्टिंग खड़ा होकर करता था, आतंकवाद के खिलाफ बोलता था, तो हमें खतरा ज्यादा था। वहां आप खड़े होकर अगर गिलानी के पक्ष में बोलने लगो और जो है जिलानी को आप हीरो बनाओ और वहां बोलो कि पत्थरबाज जो है वो दरअसल संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको लोग वहां पर ऐसे मिलेंगे जो आपकी आपकी सुरक्षा की चिंता भी करेंगे, आपको वो घर से दाना पानी खाना भी ला के देंगे, तो ऐसा ऐसा माहौल था वहां पे। अब ये 2019 के बाद चीजें बदल रही हैं, तो ये तो ऐसे तो इसी तरह से ये है क्या इस ये जो पुरस्कार इसको दिया गया इस फोटोग्राफ को, क्योंकि उनको परेशानी होती है कश्मीर जब भारत का दिखता है, अरे भाई अंग्रेज जब यहाँ से छोड़ के गए तो उनकी मंशा थी कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए जी, ठीक है ना,
तो इसीलिए बीबीसी आज भी कश्मीर को डिस्प्यूटेड लिखता है, आज भी कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर लिखता है, लेकिन वो वही वही ब्रिटेन वही बीबीसी जो अपने यहाँ जो विवाद है जो वहां पर है, आयरलैंड में है, आयरलैंड में जो है वहां पर वो वहां जो कोई गतिविधि हो जाती है उसको वो आतंकी गतिविधि बोलता है, हमारे यहाँ कश्मीर में इनको वो गनमैन बोलता है। तो क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता थी कि हिंदुस्तान टूट के बिखर जाए। बहुत से लोगों को इतिहास की जानकारी कम होती है या नहीं, आप देखिए जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने क्या ऑप्शन दिया था रियासतों को, रजवाड़ों को? उन्होंने कहा था कि आप भारत पाकिस्तान किसी से मिल सकते हैं। आप सोचिए कि भोपाल का नवाब बैठ कर डिसाइड करे कि मैं पाकिस्तान से मिल जाऊं तो हिंदुस्तान क्या बचा? अब भोपाल हिंदुस्तान हुआ ही था, हैदराबाद भारत का बीच का हिस्सा, जूनागढ़ के नवाब ने डिसाइड कर लिया पाकिस्तान जाएगा। अरे तो आपने, उन्होंने तो तय कर लिया था। तो आज उनको लगता है कि हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, तो कश्मीर भी इनका कैसे है, कश्मीर को कम से कम तोड़ दें। तो इसलिए वो इस तरह की चीजें और भारत विरोधी, ये जितनी भारत विरोधी ताकतें हैं, जो लेफ्ट पूरा दुनिया भर में एक पूरा सिस्टम है, ये जो अरब से जिनको फंडिंग होती है, ये सारे लोग जो हैं, ये सब नहीं चाहते एक मजबूत हिंदू देश बने, एक भारत एक देश बने, मजबूत राष्ट्र बने। तो इसलिए ये सारे उन लोगों को लाखों रुपए जो फंडिंग करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, उनको अपने देश में बुला के सम्मानित करते हैं, उनका चैनल अगर फंस जाए तो उसके लिए फंडिंग कैसे करनी है, अगर उनका कोई दिक्कत है तो उनको कैसे फंड करना है, ये सारी चिंताएं, ये पूरा जो एक जो है सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम यही सब काम करता है। और ये सिस्टम में वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत देश बने, ये सारी भारत विरोधी ताकतें। तो ये पुरस्कार भी इसलिए दिए जाते हैं कि भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों को एक हीरो बना दें, चलो भारत में लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे लेकिन आप उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दे दो, तो क्या होगा कि उसकी एक इंटरनेशनल इमेज बन जाएगी और फिर कम से कम उसके जो समर्थक हैं उनको कहने का मौका मिलेगा, अरे देखो इसको तो इतना बड़ा पुरस्कार मिला। तो ये सारी चीजें होती थी, यही सब चीजें होती थी। अरविंद केजरीवाल जी को भी ऐसे पुरस्कार मिले थे, हमें मालूम है, जब वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे। आज अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो ये हिसाब नहीं देती कि उसने कितने पैसे का विज्ञापन दिया, उसके ऊपर आप आरटीआई नहीं लगा सकते। तो जिस व्यक्ति को आरटीआई लगाने का अवार्ड मिला, आज वो आरटीआई अपनी सरकार में लगने नहीं देता, तो वो अवार्ड मिला तो उससे पता चलता है ना, तो क्या आप अवार्ड वापस ले लोगे? नहीं लोगे। तो ये पूरा सिस्टम होता है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के भी पीछे एक सिस्टम खड़ा हुआ था, उनको कैसे हीरो बनाना है वो ठीक, वो बाद में अलग बात है कि उन्होंने पार्टी बनाई, उनकी फंडिंग वंडिंग कैसे आप देख सकते हैं, फोर्ड फाउंडेशन और पता नहीं कहां कहां से इन लोगों को फंडिंग होती रही। तो ऐसी ताकतें जो हैं देश में, भारत में अस्थिरता पहले, ऐसी ताकतों को फंड करने वाले बहुत से लोग हैं। जी सर, आप दूरदर्शन में काफी सालों से हैं, जैसा कि आपने बताया कि 1900 मैं 2002 में ज्वाइन किया था, 2002 डीडी न्यूज़ जी, उसके बाद से एक तरीके से कहें तीन सरकारें या दो सरकारें जो बदली हैं, अटल जी की, फिर कांग्रेस, फिर मोदी जी की, इस टेन्योर में दूरदर्शन में कितना चेंज हुआ है और दूरदर्शन को कितना खुद को चेंज करना पड़ा है? देखिए, एक तो है जो आपने कहा करना पड़ा, एक तो ये है कि बाजार है, मार्केट है, उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। मैं दूरदर्शन में आया भी इसीलिए था 2002 में, उस समय सुषमा जी सूचना प्रसारण मंत्री थी और एस वाई कुरैशी साहब जो भारत के चुनाव आयुक्त रहे, इन दोनों ने ये डिसाइड किया था। कुरैशी साहब उस समय डीजी थे और सुषमा जी आईएनबी मिनिस्ट्री थी, इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई दूरदर्शन न्यूज का शक्ल बदलनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले दूरदर्शन में सिर्फ न्यूज रीडर होते थे। तो मैं उस पहले बैच का व्यक्ति हूँ जब ये तय किया गया कि दूरदर्शन में बाजार से, मार्केट से कुछ प्रोफेशनल लाए जाए, सिर्फ न्यूज रीडर नहीं हो बल्कि एंकर हो जो रिपोर्टिंग भी करें, न्यूज बनाए इस तरह के। तो एक देश भर से 21 लोगों को उस वक्त चुना गया था, तब मैंने डीडी न्यूज ज्वाइन किया था 2002 में। तो वो बाजार की डिमांड थी कि बाजार के हिसाब से आपको होना पड़ेगा, वो बदलाव तो बाजार का था और वो दबाव आज भी रहता है। आज भी हम बाजार के हिसाब से जो है कैसे टेक्निक में, कैसे प्रोडक्शन में, कैसे क्वालिटी में, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीजें कर सके, वो एक तो बदलाव बाजार का होता है।
दूसरा बदलाव जो मैं कहता हूं, एक तो लोग कहते हैं कि सरकार आने पर तो ठीक है, लेकिन मेरा ये अनुभव कहता है कि सूचना और प्रसारण मंत्री जब बदलता है तो बदलाव आधा सिस्टम में आ जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति, मैं ये मानता हूं कि किसी भी सिस्टम में जो टॉप पे व्यक्ति होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है उस सिस्टम को बनाने में, बिगाड़ने में। हम लोग चुनाव आयोग जानते भी नहीं थे क्या चीज है। टीएन शेषन जैसा व्यक्ति उस पद पर आता है, अचानक वो चुनाव आयोग को उनकी शक्तियों का एहसास कराता है और वो पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो इसी तरह से मैं ये मानता हूं कि दूरदर्शन में मैंने कई मंत्री देखे हैं और मैंने देखा मंत्रियों के आने से जाने से बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। जैसे मैं मानता हूँ सुषमा जी एक ऐसा मंत्री थी, जब सुषमा जी आईएमबी मिनिस्टर थी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था दूरदर्शन के कार्यक्रमों में। अंबिका सोनी जब बनी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था कांग्रेस के राज में। लेकिन उसके अलावा जब मैं दूसरे नाम लूँ, चाहे वो प्रियंजन दास मुंशी थे, उनका थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता था, प्रियंजन दास मुंशी या फिर उसके बाद के कुछ मंत्री थे जो आज भी राजनीति में हैं, बड़े सक्रिय हैं। उनमें से कई मंत्री ऐसे थे जब वो मंत्री बने, आईएमबी मंत्री बने, तो उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया। एक आईएमबी मंत्री तो ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा शास्त्री भवन में यह निर्देश दे रखा था कि शास्त्री भवन में नीचे एक कैमरा टीम हमेशा खड़ी रहेगी ताकि मुझे जो भी कहना हो तुरंत मेरे पास आके ले। और वो मंत्री साहब ऐसे थे कि उनका एक बार एक इंटरव्यू चल गया, उन्होंने एक बाइट दी, वो बाइट चल गई। जब वो बाइट चल गई, ऑन एयर हो गई, ऑन एयर होने के बाद जो है उन मंत्री जी को लगा कि मेरा जो फेस का एंगल है वो ठीक नहीं आया, तो उन्होंने उसको उतरवाया और दोबारा से उसको शूट करवाया। तो ऐसे भी मंत्री थे। वो मंत्री जी थे, उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में, वही मंत्री जी, उन्होंने मुझे मेरी एंकरिंग जब मैं कर रहा था मुझे शो से हटवा दिया था ये कहते हुए कि भाई मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है उसके दूसरे कारण थे, शक्ल क्यों नहीं पसंद थी, तो उन्होंने मुझे हटवा दिया था। तो वही मंत्री, तो ऐसे भी मंत्री। तो मैं मानता हूँ कि मंत्रियों के आने जाने से बहुत फर्क पड़ जाता है, और सरकारों के आने से तो फर्क पड़ता है लेकिन मंत्रियों से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो पिछले कुछ समय से मैं मानता हूँ कि हमें अच्छे मंत्री मिले हैं जो हस्तक्षेप उस तरह का नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि हम लोग प्रोफेशनली भी होने का कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत हम जो है अब हमने दूरदर्शन को बदलाव की कोशिश की। तो मैं जैसे जिस जो प्रोग्राम करता हूँ, दो टूक जो करता हूँ, मैं बड़ा खुल के कहता हूँ, कई बार डिबेट में मुझे प्रवक्ताओं को याद दिलाना पड़ता है कि 2014 से पहले दूरदर्शन में चुनाव का वक्त छोड़ करके ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई डिबेट इतनी ओपन डिबेट होती थी जिसमें बीजेपी कांग्रेस यानी कि पक्ष विपक्ष के लोग बैठ करके लाइव डिबेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ था जब मनीष तिवारी जी आईएनबी मंत्री थे, वो भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मनीष तिवारी जी आईएनबी मंत्री थे, उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने प्रयास किया तो एक बार एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी कर दी सोनिया जी के ऊपर, उसके बाद से वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया, वो प्रोग्राम फिर दोबारा नहीं हुआ कि नहीं ऐसे लाइव डिबेट नहीं करनी। लेकिन मैं आपको गर्व के साथ कह रहा हूँ, बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ, 2016 में मैंने दो टूक प्रोग्राम शुरू किया था, आज हम 2021 में हैं, हम लगातार ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेरे प्रोग्राम में लोग आते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, दूसरे प्रवक्ता आते हैं, वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उनके ऊपर टिप्पणियां करके जाते हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि भाई ये चीज क्यों चली गई, ये क्यों कह दिया। और विपक्ष का आदमी है, विपक्ष, हाँ मेरी ये कोशिश जरूर रहती है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते जरूरी भी है कि हम डिबेट का एक लेवल ना गिरने दें, हम अपशब्दों का इस्तेमाल ना होने दें, हम चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हम नेताओं के लिए कोई बात कर रहे हैं तो आलोचना करें लेकिन सम्मान के साथ करें। कई बार ऐसे प्रवक्ता आते हैं जो इस तरह की बात वो करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आजकल प्रवक्ता पार्टियां डिसाइड करती हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्यों चला गया, वो क्यों चला गया। और अब अगले सोमवार से ऐसा ही मैं एक और प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ जो दोपहर को होगा, इसी तरह की डिबेट होगी, ओपन डिबेट होगी। तो अब तक जिस डिबेट को एक घंटा था
उसकी हम 2 घंटे करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है और ये किस हद तक जो है मैं कह सकता हूँ कि एक जो है खुलापन जो है वो दूरदर्शन में आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। सर आपने एक बात की जो पत्रकारिता में और टीवी चैनल्स पे शालीनता की, दूरदर्शन की शालीनता की, ये प्राइवेट चैनल्स में नहीं दिख रही हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चैनल जो सक्सेस माने के लिए चिल्लाहट और कभी कभी गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं, ये पत्रकारिता के लिए किस, पत्रकारिता को किस स्तर पर ले जाएंगे? मुझे लगता है लोग पसंद नहीं करते। हालांकि मैं बताऊँ, मैं कोई बहुत साफ सुथरा नहीं उस मामले में, क्योंकि मेरे खुद की डिबेट में कई बार चिल्ला चिल्ली हो जाती है। मुझे बाद में एहसास होता है कि क्या हो गया, इतना क्यों। एक्चुअली उसका कारण, जैसे मेरे कई कार्यक्रमों में ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कई बार मैं शायद इमोशनल हो गया एक बार, और उसके पीछे कारण थे। एक बार किसी ने भारत की तुलना पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कर दी, तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मुझे लगा यार ये कैसा बेहुदा आदमी। मैंने उस दिन उसको बहुत, मैं उसके ऊपर चिल्लाया भी, और मैंने उसको ये भी कहा, मैंने कहा मुझे, मैं ऐसे बेशरम आदमी को लेकर आया अपने शो में, मुझे जो शब्द नहीं, अपने गेस्ट के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उस दिन कर दिए। हालांकि मैंने ब्रेक जब लिया, ब्रेक के बाद मैंने उसको बोला, मैंने बोला मेरे आप कार्यक्रम से आप चले जाइए, अगर आपको इस तरह के भारत के अपमान करना, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और मैंने कहा अगर आप माफी मांग के कंटिन्यू करना चाहें तो आप कीजिए। जब ब्रेक के बाद देखा वो सज्जन बैठे हुए, तो उन्होंने पहले माफी मांगी, उन्होंने बोला मैं ये नहीं कह रहा था, फिर उन्होंने अपनी बात को घुमा फिरा के जो है कहा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। यानी वो लाइन पर आ गए। जब लाइन पर आ गए तो मैंने भी कहा कि मैंने, मुझे इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार तो ये इंटेंशन नहीं होती, हो जाता है। जो पार्टी के प्रवक्ता है कई बार, जो बीजेपी के, कांग्रेस के, या सपा बसपा के, या टीएमसी के कई प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो जानबूझकर के जो है बहुत ज्यादा, तो कई बार होता यह है कि प्रवक्ता जब आते हैं तो वो एक तो झूठ बोलते हैं इतना, या जब जैसी उनको लगता है जब जवाब नहीं होता तो वो चिल्लाने लगते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं, खड़काने लगते हैं। तो कई बार ऐसा प्रवक्ताओं की वजह से होता है, लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करते। लेकिन ये बात जरूर मैं कहूंगा कि कुछ जो हैं एंकर्स भी, बीच में एक ऐसा ट्रेंड आया था कि कुछ एंकर्स को भी बड़ा मजा आने लगा था कि चिल्ला चिल्ला के बोलना, कि बड़ा डांट देना, डपट देना, वो करके। लेकिन वो दौर थोड़ा सा थमा है। मैंने देखा कि बीच में तो एकदम से कई एंकर इस लाइन पे चले गए थे, लेकिन अब जो है वापस हो रहे हैं, क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। लोगों को चिल्ला चिल्ली, मतलब आपने 8 विंडो बना दी, 8 विंडो में गेस्ट बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, कंटेंट क्या है कुछ नहीं पता, समझ क्या रहे, डिबेट क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो ये चीज अब लोग पसंद नहीं करते। होता क्या था कि बीच में एक ऐसा दौर आया था, लोगों को बड़ा मजा आने लगा था कि नेताओं को डांट पड़े, तो लोगों को बड़ा मजा आता जब एंकर नेता को डांटता है, तो लोग, कई लोग इसमें मजा लेते हैं, यार बड़ा अच्छा हुआ आज एंकर ने इसको डपट दिया, बड़ा अच्छा किया, तो उसमें लोगों को आनंद आता, तो वो एक अलग विषय था, तो लोग थोड़ा बहुत करने लगे थे। लेकिन ये चीज लंबी नहीं चली, अच्छा हुआ, अब लोग फिर थोड़ा सा थमे, लोग अच्छी डिबेट पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बाकी चैनल भी, मैं और भी कई चैनल देखता हूँ, कई चैनल में अब एंकर कहने लगे हैं नहीं, जब एक आदमी बोल रहा हो तो आप मत बोलिए, वो नहीं करिए, तो ऐसी चीजें कई चैनल में हुई है। तो एक अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ इसका स्वागत करना चाहिए। हम सारे एंकर्स की जिम्मेदारी है कि हम देखें कि टीवी पे एक अच्छी डिबेट हो, लोग अच्छी डिबेट दें जिसमें कंटेंट हो, और कंटेंट अच्छा आएगा तो दर्शक को ज्यादा अच्छा लगेगा, चिल्ला चिल्ली से कोई फायदा नहीं होगा। सर आखिरी सवाल मेरा आपकी अपनी पर्सनल जो पत्रकारिता की लाइफ रही है, जो करियर रहा है, उसके बारे में है, वो कैसे शुरू हुई और आज जहाँ पे है, वो एक सफर के बारे में। कैसे शुरू हुई, बड़ी लंबी कहानी है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब मैं शायद स्कूल कॉलेज में था, तभी मुझे था कि मुझे एक लगा था कि जर्नलिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि मैं शायद उस समय बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं चाहता था लेकिन नहीं कर सक पा रहा था किसी भी वजह से। लेकिन एक मेरा एक ये चीज़ थी, तो मुझे, मैं लिखता अच्छा था शुरू से, मुझे न्यूज़ में इंटरेस्ट था, तो एक रास्ता बन गया है। लोगों ने लिखा मेरा पसंद किया, भाषा मेरी लोगों ने पसंद की, तो एक ऐसा अवसर आया कि मुझे लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए, तो मैं इस लाइन में आ गया। फिर पहले अखबारों में किया, फिर टेलीविजन के लिए किया मैंने,
तो ये जो जब मैंने शुरू में अखबार में किया तो स्ट्रगल टाइम बहुत था, मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया अखबारों में। जब पहली नौकरी करी उस समय भी बड़ा, उस समय मैंने बहुत अच्छे असाइनमेंट भी किए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट भी मिले। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा गिराया गया था तो मैं उस समय बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट था, लेकिन मुझे मौका मिला उस ऐतिहासिक चीज को कवर करने का। तो इस सेंस में मैं मानता हूँ कि मुझे एक अच्छे अवसर भी मिले, लेकिन बहुत संघर्ष भी हुआ क्योंकि मैंने कुछ समय फिर उसके बाद मैंने आंखों देखी, मैं नरेंद्र सिंह जी से काम किया टेलीविजन में, मुझे नरेंद्र सिंह ने बहुत कुछ सिखाया और वो लेकर आई मुझे टेलीविजन में, आंखों देखी में मैंने काम किया। फिर मैं कुछ और जगह गया, लेकिन आंखों देखी के बाद फिर एक बड़ा मुझे एक ब्रेक मिला था, लेकिन वो बड़ा ब्रेक जो है वो सर्वाइव नहीं हो पाया क्योंकि एक चैनल लॉन्च की तैयारी थी और मैं उसका हेड बन के गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो चैनल लॉन्च नहीं हो पाया तो मैं एकदम से फिर से ज़मीन पर आ गया। और उस समय बहुत बुरा दिन भी देखे, नौकरी नहीं थी, गाड़ी मेरी जो है उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, कहीं बाहर जाता था तो मतलब ये है कि मेरे साथ में कुछ 2-3 लोग काम करते थे, एक छोटा सा मैं कुछ प्रोडक्शन हाउस सा चला रहा था, मेरे स्टाफ के लोग खाना ले आते थे क्योंकि उनको पता था कि मैं दोपहर में जो है लंच जो है मैं जो है नहीं खाऊंगा या क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे। तो ऐसा मुश्किल समय भी देखा, फिर डीडी में आ गया। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं दूरदर्शन में काम, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, और अचानक मैंने देखा। और जब मैं दूरदर्शन में आ गया, वैसे भी पहले भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, उसके बाद से मेरा ईश्वर में नियति में थोड़ा सा ज़्यादा मुझे उनका उन पर भरोसा होने लगा, उनकी ताकत का मुझे ज़्यादा एहसास होने लगा। क्योंकि जब मैं दूरदर्शन में पहुंचा तो मैंने सोचा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया। जब कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि नियति जो है, मेरी किस्मत जो है मुझे यहाँ ले आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टेलीविज़न का जर्नलिस्ट बनूंगा, टेलीविज़न जर्नलिस्ट बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूरदर्शन में काम करूंगा, दूरदर्शन में आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार लोगों का मिलेगा, देश भर में लोग वो मिलते। तो मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ ईश्वर की लिखी कहानी थी, ईश्वर जिस कहानी को लिख रहा था मैं उसका एक पात्र हूँ, मैं उसको नियति के रूप में चलता गया। क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे अवसर मुझे मिले, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं उनके पास पहुंचा तो दरवाजा बंद हो गया मेरे मुंह के सामने, लेकिन अचानक एक दिन दूरदर्शन का दरवाजा खुल गया। तो इसको मैं नियति मानता हूँ। तो इसलिए लेकिन दूरदर्शन में आने के बाद भी बड़े सारे संघर्ष हुए। जब मैंने शुरुआत की दूरदर्शन में तो उस समय जो है शुरू में अच्छा काम किया, लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे जैसे मंत्री बदलते थे, सरकारें बदलती थी, तो मैं देखता था कि एकदम से चीज़ें बदल जाती थी। बहुत बुरा समय भी हुआ जब 2014 में मोदी जी का इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के कारण जो है 3 महीने मुझे शंट कर दिया गया था बिल्कुल, जो है मुझे उस 3 महीने तक बिल्कुल नाइट ड्यूटी दोबारा मिली, मुझे नाइट ड्यूटी अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी इस तरह की दी जाने लगी थी। तो वो मुश्किल दौर भी देखा, कई मंत्री मेरे पीछे पड़े, जैसे मैंने आपको एक जिक्र किया, एक मंत्री जी मेरे पीछे पड़े, उन्होंने कहा इसको हटाओ। एक और मंत्री पीछे पड़े थे मुझे, उन्होंने एक बार बिल्कुल आदेश दे दिया था कि इनको हटाना, किसी ने मेरी कोई शिकायत की थी किसी चीज़ को लेकर के। लेकिन हमारी जो बॉस थी दूरदर्शन की, उन्होंने जो है वो मंत्री से जाके मेरे लड़ गई। उन्होंने कहा ये मेरा सबसे अच्छा बंदा है, आप इसको कैसे, उन्होंने कहा कि आप मंत्री हैं और आप अगर कहेंगे तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि मेरा सबसे अच्छा बंदा है, सबसे काबिल आदमी है, सबसे मेहनती आदमी है, फिर भी आप इसको हटाने के लिए कहोगे तो आप मुझसे गो हत्या करवा रहे हो, तो आप बताइए मुझे क्या करना है। तो एक अधिकारी जो मतलब एक डीजी मेरे लिए इस तरह से मंत्री के पास जाके, ये चीज भी ईश्वर का विधान था। तो अगर उस समय वो नहीं लड़ती तो मैं उस समय शायद दूरदर्शन निकल के आज कहीं और होता, कहीं जाता, लेकिन वो मेरे लिए जाके लड़ी। और उसके बाद उन्होंने मुझे आके बोला अशोक तू काम कर, मैं खड़ी हूँ, देखती हूँ कौन हाथ लगाता है। तो ऐसे अधिकारी थे तो इस तरह की तो बहुत अप्स एंड डाउन लाइफ में होते रहे, बहुत अप्स एंड डाउन होते रहे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं इस समय जो है खास करके 2015 के बाद जब मैंने दो टूक लॉन्च किया, उसके बाद मैं मानता हूं कि ये इस वक्त का दूरदर्शन का मेरा सबसे अच्छा
दौर है मैं मानता हूँ, ईश्वर जो है ताकत दे ताकि मैं और अच्छी चीज को, जैसे मैंने कहा अभी तक मैं एक घंटा कर रहा था, अब एक घंटा जब जम गया, एक घंटा लोगों को इतना पसंद आ गया, तो मेरे सारे लोग, मेरे जितने बॉसेस हैं सबने कहा कि अशोक तुम इस तरह का एक और प्रोग्राम लॉन्च करो, तो जिसको एक को दो घंटे हम करने जा रहे हैं। तो ये है कि आज मन से मैं अपने कर पा रहा हूँ, जो मन से चाहता हूँ वो चीजें कर पा रहा हूँ, और लोगों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। सबसे बड़ी बात यह, लोगों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। मैं ट्विटर पर देखता हूँ, ट्विटर पर लोग लिखते हैं कई बार, मैं इस लायक तो नहीं हूं लेकिन ट्विटर पर मुझे कई बार लोग ये लिखते हैं कि अशोक जी आपने दूरदर्शन को बदल दिया। अरे मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो छोटा सा मुलाजिम हूं दूरदर्शन का, वहां बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, हमारे सीईओ हैं, हमारे डीजी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगे हैं, तो मैं तो छोटा सा मुलाजिम हूं, लेकिन लोग जिस तरह का प्यार देते हैं सिर्फ मेरे प्रोग्राम के कारण। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने आपसे एंकरिंग सीखी भी है और आज मैं आपको इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। नहीं, अच्छा लगता है जब जिनसे, जिनको जिंदगी में आप कुछ बताते हो, जब वही लोग सामने होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर दूरदर्शन में आप इसी तरह छाए रहे और पूरे गाँव गाँव तक आप फैले रहे, यही हमारी आशा है। हमने बात की दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एंकर श्री अशोक श्रीवास्तव जी से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।